Hi friends, I am Athirav Deshmukh. Welcome to Physics by Athirav Deshmukh. In this video, we are going to continue our chapter Work, Energy and Power, and today we are going to study about types of work. So, ये चैप्टर में टाइप ऑफ वर्क जो पार्ट है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनते हैं इसी पार्ट से बनते हैं. तो इस पार्ट के सारे बेसिक्स को कंसेप्ट बेसिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरे वीडियो को. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फ्रेंड्स, अभी हम टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो टाइप्स ऑफ वर्क देखिए. देखिए, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे पास सिर्फ तीन टाइप के वर्क है. यानी कि कौन से फर्स्ट, जीरो वर्क, सेकेंड, पॉजिटिव वर्क एंड थर्ड, निगेटिव वर्क. देखिए, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव वर्क, देर आर थ्री टाइप ऑफ वर्क, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव वर्क. देखिए, जैसे हमारे पास नाम है उसी तरह ये वर्क भी करते हैं, इसी तरह इनका कंसेप्ट भी है ना. तो देखिए, जीरो वर्क क्या होता है, स्टार्ट करते हैं जीरो वर्क के साथ. मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क हम करते हैं सो फोर्स लगता है किसी एक डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट होती है किसी एक डायरेक्शन में. लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स है, वी आर अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. फोर्स अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है ना, डिस्प्लेसमेंट अगर इसकी इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि हमारे पास जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होती है तो कुछ तो थीटा बनता है ना. थीटा यानी कि क्या है, यानी कि कुछ तो एंगल है ना. यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा से नोट करते हैं. तो थीटा जो है यानी कि द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो भी एंगल बनेगा उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं. और जो थीटा होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 20, 90, है ना, 25, 70, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. और हमें इसे फॉर्मूला में लाने के लिए हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला डेरिवेट किया था जो कि था W इक्वल्स टू F डॉट S cos थीटा, है ना, F cos थीटा. यहाँ पर हम cos थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना. सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है वो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होती है. 0, 60, 30, 45, 90, इन सब के लिए अलग अलग वैल्यू होती है. सो ये क्या है, cos थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. एंड cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं ले सकते, है ना. यहाँ पर अगर cos थीटा है यानी कि हम इसको कभी भी एक सेम नहीं रख सकते. डिफर करती है कि आपके पास एंगल कैसा दिया है और आप किस तरह का वर्क कर रहे हो, उससे आप इस cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते. cos थीटा की वैल्यू सिर्फ इस एंगल पर ही डिपेंडेंट है, ना. इसीलिए ये एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और cos थीटा के जो रेशियोज होते हैं वो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग होते हैं. जो भी हमारे पास रेशियो है यानी कि 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन सब की जो रेशियो है, और सिर्फ cos के रेशियो हमें ज़रूरत है इस लेक्चर में, इस चैप्टर में. सो सिर्फ हमें cos थीटा के रेशियो की लर्न करने की ज़रूरत है. सो जितने भी हमारे पास रेशियो है उसका चार्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया है. सो आप यहाँ पर देख सकते हो cos थीटा के सारे रेशियोज 0, 30, 45, 60, 90 का, है ना. सो अभी हम जीरो वर्क के बारे में स्टडी करते हैं. देखिए, जीरो वर्क क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम जीरो वर्क के साथ. देखिए, जीरो वर्क क्या होता है, स्टार्ट करेंगे जीरो वर्क के साथ. देखिए, जैसे कि हमें नाम से पता चलता है कि जीरो वर्क यानी कि यहाँ पर जितना भी मैग्नीट्यूड का वर्क होगा वो जीरो ही होगा, यानी कि कुछ वर्क होगा ही नहीं, है ना. तो यहाँ पर वर्क की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, जीरो जूल. यहाँ पर वर्क की मैग्नीट्यूड जीरो जूल हो जाएगी. सो देखिए, अभी जीरो वर्क क्या होता है वो देखते हैं.
जीरो वर्ग, जब भी हम अगर इस ऑब्जेक्ट पर, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, और यहाँ पर एंगल बनाती है 90 डिग्री का, है ना, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर है ना फोर्स यहाँ पर, और उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। और मैंने आपको बोला था जो भी एंगल डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच बनेगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से, है ना। सो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हमारे पास नॉर्मल वर्क का क्या फॉर्मूला है, f डॉट s cos थीटा होता है, राइट, f डॉट s cos थीटा होता है, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर थीटा बदल गया है, क्या है हमारे पास अभी यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू f डॉट s cos थीटा को, यहाँ पर जो थीटा है ना इसको हम रिप्लेस करेंगे 90 के साथ, इसको हम रिप्लेस करेंगे 90 के साथ, सो यहाँ पर हो जाएगा cos 90, हाँ ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया cos 90। देखिए यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट देख सकते हो, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट पर आप देखोगे कि cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू यहाँ पर एकदम लास्ट में, दैट इज जीरो, क्या है, जीरो, सो cos 90 यानी कि जीरो होता है, सो यहाँ पर w f डॉट s इंटू cos 90 को हम रिप्लेस करेंगे जीरो के साथ, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू जीरो है, और ये फिक्स वैल्यू होती है, ये एक प्रोसेस से आती है ना, अलग अलग, या यहाँ पर जब भी हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बनता है तो cos 90 हमारे पास जीरो आता है, वो कैसे आता है, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्लास 10th मैथमेटिक्स में, सो हमें सिर्फ यहाँ पर वैल्यू लर्न करनी है, इसके पीछे के मेथड अभी ज़रूरत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी पावर का। सो अगर जीरो को, जीरो डिग्री नहीं, अगर जीरो को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द प्रोडक्ट, द फाइनल प्रोडक्ट विल बी जीरो ऑनली, है ना, सो क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा, सो जीरो जूल, राइट, सो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना आ गया, जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा था 90 डिग्री का, थीटा बन रहा था 90 डिग्री का, थीटा को हमने यहाँ पर रखा, तो कॉस 90 डिग्री हमारे पास होता है जीरो, कॉस 90 इज इक्वल्स टू जीरो, ये फिक्स वैल्यू है, और अगर कॉस 90 को हमने रिप्लेस किया जीरो से और मल्टीप्लाई किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से, सो किसी भी नंबर को, देखिए सिंपल सा है, अगर आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, अगर आप 1000 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी होने दो, 0 से जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो ना तो 0 आता है ना, सो यहाँ पर भी अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की कितनी भी बड़ी क्वांटिटी होने दो, कितना भी बड़ा मैग्नीट्यूड होने दो, पर हमें इसको 0 से मल्टीप्लाई करना है, सो टोटल हमारे जो टोटल हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो भी 0 आएगा ना, सो यहाँ पर वर्क डन कितना आ गया, जीरो जूल आ गया, यानी कि जीरो वर्क क्या है, जीरो वर्क यानी कि तब होता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री वैल्यू, 90 डिग्री एंगल बनता है, तब जीरो वर्क आता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन द डायरेक्शन, यहां पर डायरेक्शन की जगह पर हम एंगल लिखेंगे, है ना, when the angle that is nothing but theta, huh, between direction of force and direction of displacement, is 0, is 90, then the work done is, work done is 0. देखिए
सिंपल है ना। जब भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, एट दैट टाइम कॉस 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस 90 जीरो तो मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी क्वांटिटी से तो होल प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो वर्क में क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो so, यहां पर आप लिख दोगे 90 डिग्री एंगल, थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 90, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 90। सो जीरो वर्क का एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। जीरो वर्क का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो देखिए यहां पर अगर मैं आपको जीरो वर्क का एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है। लेट्स सपोज एक लैंड है, प्लेन लैंड है। जब भी आप चलते हो, लेट्स सपोज आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, है ना, लेट्स सपोज आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, है ना, इस लाइन पर अगर आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, सो यहां पर आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो। देखिए आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो यानी कि आपकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन आप एक मैटर हो, आपका मास है ना, सो आप एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, तो आप क्या हो, एक मैटर हो। सो किसी भी मैटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो आप पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर लगेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, अर्थ के सेंटर सरफेस पर लगता है। सो ये आपको फोर्स क्या करेगा, नीचे लगेगा, है ना, फोर्स यहाँ पर नीचे लग रहा है क्योंकि क्या है, वो जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, तो क्या है, जी है। सो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो ये हो गई और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गई, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। सो यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री का है। सो आपका टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आपका टोटल जीरो जूल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 90 बन रहा है तो वैसे भी अगर आप cos थीटा को 90 से रिप्लेस करोगे तो 0 into fs is equals to 0 जूल, है ना। सो यहाँ पर एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, है ना, जब आप चलते हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, सो आपका वर्क कितना होता है, जीरो होता है। तो ये तो था हमारा जीरो वर्क, ठीक है। जीरो वर्क यानी कि क्या, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मैं इस चैनल पर फिजिक्स रिलेटेड ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहता हूँ।